देखो उसने इशारा किया आंख बंद करने का, वहां से आंख बंद किया, ट्रॉली में थोड़ा पौधा करना, होल्ड होल्ड आंख बंद करने से बेटा, आंखें बंद की, ट्रॉली थोड़ा ट्रॉली ताते, थोड़ा ट्रॉली का ना मूवमेंट मेरे को मालूम भी पड़ना चाहिए, वैसे चला रहा है ऐसे मजे ले रहा है जिंदगी। आंखें बंद, बंद किया, सोचा वीरा की फेस सामने आया, वीरा के फेस सामने आया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब बोलना शुरू, अभी उसको देखा हाथ उठाया, सर आपसे टिल्ट अप रोलिंग, कट एक मिनट उसको उल्टा, सबनों सत श्री अकाल, थोड़ा चिन डाउन, सत श्री अकाल आप सबनों सत श्री अकाल और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। मैं रणविजय सिंह, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, पिंजरा पुत्र जो आप सब बड़े और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं आप सब से बताइए, वोट मांगे जा रहे हैं तो गली गली घूम के गांव में। हाँ, तो रणवीर भी निकल चुका है अपने चुनाव प्रचार के लिए और मैं उसके चुनाव प्रचार को हाईजैक करता हूँ। वो बहुत ही पगड़ी वगड़ी पहन के आया है, उसके बहुत सारे इमोशंस हैं, बट ये पॉलिटिक्स है और यही बात मैं उसे कब से समझाना चाह रहा हूँ कि ये पॉलिटिक्स है, तेरे पल्ले नहीं पड़नी है, तू क्यों बार बार चढ़े जा रहा है चुनाव के लिए। तो मैं अभी आपने फुल फोर्स के साथ, मेरे फुल टोली के साथ आया हूँ, मैं मेरी बीजी के सपोर्ट के साथ, मेरे जग्गी और बिल्ला के सपोर्ट के साथ, और मैंने पूरा हाईजैक कर लिया है और अपने प्लान से मैंने सारे पिंड वालों को इतने सारे ख्वाब दिखा दिए हैं कि वो लोग अभी कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, उन्होंने कोई चारा नहीं दिया, वो सिर्फ मेरे तरफ मुड़ जाते हैं। यानी जीजा साले मतलब आमने सामने हो गए, तुम कांटे की टक्कर होगी। जीजा साले तो खैर हम बहुत बाद में बने हैं और ये चुनाव की टकरार तो आई थिंक जब संपूर्ण सिंह जी सरपंच बने थे तब से ही है मेरे और रणवीर के। आई थिंक रणवीर के फिर भी उसे नहीं था, लेकिन रणवीर को मेरे पापा सरपंच जी ने, बलवंत जी ने उसे उकसाया कि तू ही बन सरपंच। तो खैर कोई बात नहीं, वो दर्द है मेरे दिल में कि मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, बट या तो अभी मैं आ गया हूँ जीप में फुल फोर्स के साथ और ये चुनाव मैं ही जीतूंगा। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है बस एक मुट्ठी कड़े के साथ, ये मेरा चुनाव चिन्ह है, इस साथ फोर्स, स्टेबिलिटी, यूनियन एंड टीम वर्क और खूब सारी ऐश। आप गांव में, पिंड में मॉल, बार और पता नहीं क्या क्या तो खुलवाना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सही है वो? बिल्कुल सही है, आई थिंक एक ये पिंड है और पिंड को भी तरक्की करनी चाहिए। बेसिकली अगर अंग्रेजी में शब्द को इस्तेमाल किया जाए तो उसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जहाँ ऐसे गांव हैं, जहाँ मिट्टी के घर हैं, तो वहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो तो बहुत कुछ हो सकता है। गांव में लोगों को काम मिल सकता है, लोग नई चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं, लोग घर बैठे दुनिया देख सकते हैं, तो क्यों नहीं बन सकता मैं सरपंच, जब मैं इतने सारे चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ पिंड के लिए। ओके, आपकी ये जो जैकेट है हमें काफ़ी अच्छी लगी, कहाँ से चुराई या कहाँ से मंगवाई आपने? मैं सरपंच का बेटा, मुझे चुराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जैकेट आपको बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो ठीक है कोई बात नहीं। आज चुनाव का दिन था तो मैंने सोचा कि मैं अच्छे से बन ठन के जाऊं ताकि लोगों को लगे वो सही आदमी को और मेंटली स्टेबल और एक गुड लुकिंग आदमी को वोट कर रहे हैं, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और वो काम जो करे वो भी अच्छा लगे। वीरा जो है वो रणवीर के लिए वोट मांगे, लेकिन आपकी जो बहन गुंजन है वो तो नजर नहीं आ रही आपके सामने। अब क्या है, जैसे कहते हैं ना लड़कियां पराई हो जाती है शादी के बाद, तो वो भी पराई हो चुकी है। आखिर है वो मेरी बहन, लेकिन मैं उसके दिमाग और दिल में जो वो चल रहा है फाइट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, कि दिल तो उसका कह रहा है कि मैं अपने भाई को वोट दूँ, यानी मुझे वोट दे, लेकिन
दिमाग कहीं ना कहीं वो रणवीर के पास, दिमाग वहीं रह गया है। तो इमोशंस को वो साइड रख के अपने पति देव को वो अपना वोट देगी, लेकिन उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मेरे पास और भी सपोर्टर्स हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।